अपनी सांसदों से। भारतीय भाषा आंदोलन की एक महान कार्य देश के जनता को मिले न्याय अपनी भाषा में। यो तो मातृभाषा तत्व न्याय। सड़क से संसद तक की यह रचना रही भारतीय भाषा आंदोलन के एक वर्ष का सफर। Thank you.
उस समय था कि 15 साल के लिए चलाएंगे। जब 1950 से शुरू हुई 49 में ये संविधान की जो बहस हुई, उस तर्क में दो जो हमारे संविधान के जो प्रावधान है, जो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की बात हम कर रहे हैं कि जो उसकी भाषा के ऊपर, वो 348 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 348 में लिखा है कि जब तक विधि द्वारा कोई परिवर्तित ना हो तो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रहेगी। तो ये जो 348 है ये कोई परमानेंट नहीं, ये कुछ क्षण के लिए था। हम लोगों ने जब देश की आज़ादी करी, अपने संविधान बना के लेके आए, मगर उस दिन से आज तक हमारे 15 साल नहीं है। कहने का मतलब है कि ये विषय को भारतीय भाषा आंदोलन पिछले 12 साल से देश भर के हम लोगों की जितने भी न्यायालय हैं, हमारी सभी जगह पे इकाई है, जहाँ पे सभी अधिवक्ता बड़े जोरों शोरों से लगे हुए हैं। देश की हर अधिवक्ता संगठन जितने हैं वो कहते हैं कि नहीं, न्यायालय में लोगों को न्याय अपने ना हो, कम से कम हम हर क्षेत्र में प्रयास करके अपनी भाषाओं को संजोए रखें और आगे बढ़ाएं और लोगों को दिखाएं कि हमारी भाषाएं हैं और आगे बढ़नी चाहिए और इस विषय में काम होना चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हम जब न्यायालय की स्थापना है कि कोई भी व्यक्ति अगर विटनेस बनता है, गवाह बनता है, तो अपनी भाषा में बात कहेगा, जो उसने देखा है, सुना है, जो उसको कहना है या उसका ओपिनियन है वो अपनी भाषा में कहेगा। लेकिन जब हम कोर्ट में आते हैं तो उसका ट्रांसलेशन हो जाता है अंग्रेजी में। जब ट्रांसलेशन हो जाता है तो वो अर्थ बदल जाता है, वो क्या बोल रहा है, मीनिंगलेस हो जाता है वो जाके, या किसी और मीनिंग में कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज होने लगता है, इमोशन क्या है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये है कि अगर क्षेत्रीय न्यायालयों में अपनी भाषाएं जो है रहेंगी तो उससे जो जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, वो अच्छी तरीके से मिलेगा और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। पार्लियामेंट बिल ऑफ मेक्स एनी अदर प्रोविजन The language of the High Court and Supreme Court would be English. So, temporarily, you get to the extent that Parliament has given all the ample power from the open works that they can make the law to the contrary. A 348 2, which is a 2 year old, is that the governor of a state is the person of the president can introduce Hindi or any other official language. मतलब एक बात और भी है, जैसे कुछ हमारे दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में निचले अदालत में भी अंग्रेजी चलती थी, लेकिन वो अब इस आंदोलन को चलाते हो, जब लोगों ने बनाया चालू किया और ये सब बातें हुई, तो अब धीरे धीरे वो लोग भी अपने स्तर पर काम करना चालू कर दिए, जो वहाँ के स्टोनर हैं उनको हिंदी सिखाना चालू कर दिए थे, तो कहीं ना कहीं ये सब फैल रही। बस फर्क यह है कि अगर ऊपर से थोड़ा सा मामला ये बनता है तो ये निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। हर प्रदेश इम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, बहस करा। गरीब माझा शेतकरी जर कोर्टात गेला, यांचं काय म्हणणं आहे की मेरा कोई अगर किसान जाता है कोर्ट में, उसके सामने मेरा वकील और जज इंग्लिश में उनका आंसर देते हैं या ये देता है, तो मेरा किसान समझेगा क्या? आप लोगों ने व्यवस्था है, संसद में व्यवस्था बनाई हुई है, वो दूसरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किस भाषा में काम करेगी, राज्य की राजभाषा में एमएलए किस भाषा में बोलेगा, अपनी मातृभाषा में बोलेगा। कोई एमएलए तमिलनाडु का बन गया, महाराष्ट्र में तमिल बोलता है, उसको मराठी नहीं हम बोल सकता है, फिर ट्रांसलेटर हमें लेता हूँ।
तो अगर हम वो एग्जाम को देके जज बनते हैं, वो हमारे लिए, हम नहीं दे सकते पंजाब को, क्योंकि हमने पंजाबी पढ़ी नहीं है, हमारे करिकुलम में हमने हिंदी पढ़ी थी या किसी ने, हमने मराठी नहीं पढ़ी, लेकिन हम पेपर नहीं दे सकते वो उस लैंग्वेज की वजह से। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कई स्टेट्स में ऐसा है, उसके बावजूद भी वो सारी जो प्रोसीडिंग होती है वो इंग्लिश में हो रही है। अगर मेरा क्लाइंट है वो पंजाबी बोल सकता है, तो फिर उसको इंग्लिश में ही उसके सारे बयान हमें ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें वैसी करनी पड़ेगी। तो सर मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं ट्रांसलेटर नहीं हूँ, और जज भी एक, वो एक जुडिशियल वो है, वो उसको क्या इंटरप्रिटेशन है हर एक वर्ड का। सर आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि एक चीज़ के हम 10 तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई चीज़ अलग है, मेरे लिए अलग है। तो सर अगर उस चीज़, अगर जो जिस चीज़ को जैसे वो बोलना चाह रहा है क्लाइंट, या मैं जैसे बोलना चाह रही हूँ, तो उसको एज इट इज ही अगर प्रेजेंट किया जाए, वैसे ही बयान हो, सारी चीज़ें वैसी हो, मेरी भाषा में होगी सर, तो उससे क्या होगा सर कि जो जजमेंट आती है या जो एक जस्टिस मिलेगा सर, जो हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि जो भी जजमेंट आई, जो भी ऑर्डर है, एटलीस्ट मेरे को तो समझ आए कि भाई मैंने कल को मेरा जो क्लाइंट है उसको पता नहीं मैं इंग्लिश में कुछ भी बोल रही हूँ वहाँ पे, तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि भाई मैंने इसको पैसे दिए, ये मैं इसके साथ वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इंग्लिश में कुछ भी बोल दिया, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो मेन हमारा यही है सर कि एटलीस्ट जो भी चीज़ है एज इट इज हमारी भाषा में होनी चाहिए, ताकि वो सबको समझ आए। पर इसका मतलब सर ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे को पंजाबी बोलनी है और आपको इंग्लिश बोलनी है, तो मैं आपको इंग्लिश बोलने से रोक रही हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि मुझे जो बोलना है, मुझे राइट टू चूज है कि भाई मैं इस भाषा में भी बोल सकती हूँ, मेरे को मत रोको अपनी भाषा बोल। धन्यवाद धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे लोकहित की बात को उठाने का मौका दिया। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज की जो स्थिति है, जो न्यायालय के अंदर में जो कानून थे, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, जिसके अंदर में जो उपयोग में नहीं आ रहे थे या जिन पे त्रुटि थी, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन कानूनों को निरस्त किया गया, उनमें त्रुटि को सुधार किया गया। मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि लोकल न्यायालय में और उच्च न्यायालय में स्थानीय भाषा में बहस हो, उसके जजमेंट स्थानीय भाषा में लोगों को दिए जाए, क्योंकि उस न्याय के मंदिर में खड़ा वो व्यक्ति जो अपने जमीन जेवर को गिरवी रख कर आता है न्यायालय में, उसको यही नहीं पता कि हमारा वकील क्या आर्गुमेंट ले रहा है। वहां सिर्फ इंग्लिश महोदय एक सेकंड, वहां सिर्फ इंग्लिश भाषा का उपयोग होता है। अगर स्थानीय भाषा में बहस होगी, स्थानीय भाषा में जजमेंट मिलेगी, तो उस व्यक्ति को सही न्याय मिल सकेगा। मैंने आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और विधि मंत्री तक ये अपील, जानते हैं कि एक मिनट में कितनी बात कही जा सकती है। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रयोग न होने के संबंध में दिलाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर विचार किया था, तो इन्होंने ये तय किया था कि कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम अंग्रेजी में रखा जाए, लेकिन संसद जब चाहे वो हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में उसका प्रयोग ला सकती है। हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आज भी ये सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
इस संबंध में मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश की सभी निचली अदालतों में अपनी भाषाओं में प्रयोग होता है, क्षेत्रीय भाषाओं में जजमेंट होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में वकील बात दाखिल करते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नेता थरे नेता हो गला पर फोन देश दुर्बल सुंदर लेखा नेता थरे नेता हो गला पर देश दुर्बल हमर भारत तो ठीक लाइन में 35 कोटी लोग टीवी देखे खा कितनी नेता कितनी राजनेता कितनी आईन के विचार न जहाँ पाखे पावर अच्छे भारत पेनटा आईएसआई आतंकवाद को आहरी जिनस बुझला कि आप भाषा नहीं कहते बढ़िया कथ मत बहुत खुशी लगे कितु जिते आपन लॉकडाउन सब होगा से चैनल मध्यम कहीं पाठ पढ़े भाषा ये तो भाषा उच्च न्यायालय भाषा ओडिया भाषा हो साधारण 4.5 कोटी जनता को निज भाषा न्याय मिलू जत न्यायालय में पहुंचुचे आम भाषा के शुना जाए ना तेणुक ये आम केवल कहूँ जो आपण मैंने स्वर उत्तोलन करूँ ए कथा कोत कौन प्रकार समस्या थी जो न्यायालय समक्ष में पहुँचती आपण कथा के शुना जाए ना मैंने आप भाषा से जानती प्राजल भाव कही पारती से ओडिया भाषा हो पारे ना ये भारतीय भाषा आंदोलन आज ये जो देशव्यापी कार्यक्रम जारी रखते सब प्रदेश गुड़िकाषा गुड़िक चली रहा से आम कार्यक्रम को आती बड़ कर सकु आपण मैंने समस्ते साज्य सहयोग समर्थन रखत एवं जिते न्यायालय पहुँचुंट जदि आपण भाषा कौन सी कार्यक्रम नौकरी आपत कहतु देशर नियम अच्छी आपंपरेंगे ना मुझे ओडिया मो केसटा को करवाक चाहिए मुझे इंग्राजी विरोधी भाषा जो भाषा बुझे ना से भाषा करेंगे ना आपण मैंने कहले निश्चित भाव में आप कथा शुना जी एक कह जय जगन्नाथ भारत माता की जय कहीं आमको बहुत दूर जवाब देती बर्तन आम प्रयागराज जगन्नाथ मंदिर पर्यटन पहुंचे ये व्यवस्था को ये विषय को आपने समस्त भी कहे और ये विषय को आम आगे बढ़ा भारत माता की जय जय जननी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मन में आम भारतीय भाषा अभियान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा श्रीजुक्त आम वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीजुक्त अरुण गंगाज महदेवता कहे से दु शब्द कहे आम आपको जो सभी साथियों उड़ीसा प्रांत में और उड़ीसा राज्य में इतने न्यायालय हैं उसमें न्याय उड़िया भाषा में होना चाहिए ऐसा भारतीय भाषा आंदोलन मांग करता है और ये भी मांग करता है कि जो भी जनता न्यायालय में आती है उसको उसकी मातृभाषा में उसकी राज्य भाषा में न्याय मिलना चाहिए। यह आंदोलन हम देशव्यापी हो गया और प्रसाद जी वर्मा और जो मुगले प्रदीप राजीव और विकास जी और अपने सभी साथी मतदान समय इस राष्ट्रीय संकल्प यात्रा को सफल बनाने में लगे हैं सब उनका साथ देंगे।